हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ अभिषेक स्टेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यूज विद न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज एंड द रिलीफ पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब फाइनली जो अक्टूबर 2018 से अटकलें लगाई जा रही थी कि एमएसएमई को टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर अब एक सेटलमेंट आती नजर आ रही है और गवर्नमेंट हैज फाइनली डिसाइडेड व्हाट इज इट्स गोइंग टू डू and how is this going to align the MSMEs with the rest of the industrial landscape, the taxation reforms and everything else. More than that, it has also had put some decisive initiatives in line of implementing the COVID-19 relief package. But how far this relief package will actually be, you know, operational at the ground level, कौन-कौन सी उसमें दिक्कतें आने वाली हैं implementation के level पे, इसके साथ रिलेटेड इश्यूज हमने देखने हैं। और ये डेफिनेशन भी जो आया है, इससे क्या बेसिक फायदा या नुकसान एमएसएमईज को होगा, वो हमें समझने की जरूरत है। जो सिर्फ डेफिनेशन है वो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स तक लेके जा सकती है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी वो इन इश्यूज को जानने की होगी। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। सो एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, यू ऑलरेडी नो एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमई के यूनिट्स हैं और ये हमारी टोटल जीडीपी का करीब करीब 29% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड दे आर नाउ एम्प्लॉइंग अराउंड 11 करोड़ पीपल। अगर आपको ये फिगर इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ी नीचे लग रही है तो उसका कारण है, हमने अभी देखा कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बहुत ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन हुआ। तो जो 12.6 करोड़ की फिगर हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने दी थी एमएसएमई के अंदर, उससे अब फिगर जो है वो नीचे जा रही है। नाउ इट इज 11 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एमएसएमई सेक्टर। ओके, नाउ द ओल्ड डेफिनेशन एज पर द एमएसएमई एक्ट वाज बेसिकली फोकस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सो दिस वाज द कोर बेसिस ऑफ द डेफिनेशन बैक इन द डे। तो 2015 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग defines or is the basis for defining the MSMEs or small scale industries in India, to uske andar investment was the right answer apart from the rest of the options that were given in UPSC. Or manufacturing or services sector dono ko alag alag define kiya jata tha, ye purani definition hai, to iske upar hum zyada dhyan nahi denge, aap already isko padh chuke ho, theek hai। तो इसका जो thresholds हैं वो आपको फिर भी ध्यान होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, comparative हम इसको देखेंगे। Let's take it up to the comparative table right away. तो आप देखिए, पुरानी definition के अंदर micro enterprises का जो top end था that was 25 lakh in case of manufacturing, 10 lakh in case of services. Small का जो top end था that was 5 crore in case of manufacturing and 2 crore in case of services. Medium का threshold जो upper limit था that was 10 crore in case of manufacturing and 5 crore in case of services. इस तरह से top ends बनाए गए थे। अब जो अक्टूबर 2018 से लेके और फरवरी 2019 में फिर सो एंड सो जो रिफॉर्म्स इसमें आते गए, जो बातें चलती रही, उसमें टर्नओवर की बात लाई गई कि हम इसको भी इंक्लूड करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तो इस चीज के रिफॉर्म की जरूरत थी कि आप जो जीएसटी के दौर के अंदर जो एमएसएमईज को लाभ देना बनता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना देखा जाए, टर्नओवर के तौर पर देखा जाए। ठीक, तो उसमें जो टर्नओवर देखी गई थी, दैट फिगर्स व्हिच केम एज पार्ट ऑफ रिफॉर्म 1.0, दे वर 10 लाख 2 करोड़ एंड 5 करोड़ टर्नओवर्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब जो नए कैपिटल और टर्नओवर के जो एस्पेक्ट्स आ गए हैं, इन दोनों को देखने की बात है। सो नाउ योर एमएसएमईज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अब अगर वही 2015 का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे पास डिफाइनिंग के क्राइटेरिया ये दोनों हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस द एनुअल टर्नओवर। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो सकती है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सीधे तौर पे एक ही इन्वेस्टमेंट लिमिट दी गई है, बजाय कि मैन्युफैक्चरिंग अलग और सर्विसेज अलग, ये लिमिट है 1 करोड़ रुपीज। ऐसे ही स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़। सो एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्नओवर लिमिट और स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग अलग लिमिट्स अब नहीं है। ठीक, टर्नओवर के लिए इसी तरह से देखें तो 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 250 करोड़, इस तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किया गया है।
आपको अगर याद होगा तो हमारे पास जो 2018 का जो बजट आया था उसमें 250 करोड़ की लिमिट से ऊपर वाली जो कंपनीज हैं उनको कुछ राहत दिया गया था इन टर्म्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, लेकिन फिर इसको बढ़ा के 2019-20 के बजट के अंदर 400 करोड़ की लिमिट कर दी गई थी, जिससे और ज्यादा कंपनीज को ये बेनिफिट मिले। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई जा रही है, इसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज द इश्यू अंडरलाइंग दिस? वेयर इज ऑल दिस लीडिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वी कैन लुक इनटू इट, ये अब देखने वाली बात है। डेफिनेशन अपडेट हो गया, ये प्रीलिम्स तक आपके लिए सीमित इन्फॉर्मेशन है, बस वहां तक तो इतनी ही बात है, लेकिन इससे आगे क्या है इसके अंदर? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट इन द अभिषेक स्टेक वीडियो टुडे। सो फोकस पॉइंट्स जो हमारे हैं प्री और मेंस की तरफ से वो क्या है? फर्स्ट इज द रिविजन वाज डन आफ्टर 14 इयर्स सिंस द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006, तो एक तरह से देर आया दुरुस्त आया टाइप्स है, ठीक है। देन इट हैज ऑल्सो बिन डिसाइडेड दैट द टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट्स ऑफ द टर्नओवर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ एमएसएमई यूनिट्स वेदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम। इसका क्या इम्पैक्ट है? आप देखिए, अब जैसे हमारे यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, बट इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है और खुद की जो कमाई है वो तो उतनी है नहीं, तो टर्नओवर जो दिखेगी वो तो बहुत ज्यादा दिखेगी बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट। जो गोल्ड या जो पर्ल्स या स्टोन्स या डायमंड जो भी ये इंपोर्ट करते हैं, जो इनपुट्स के तौर पे लगेंगे वो बहुत ज्यादा होगी, उसी से एनुअल टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि जो ये एक्चुअली एंजॉय करेंगे वो तो क्या होता है? वैल्यू एडिशन, ठीक बात है ना? तो वैल्यू एडिशन का बेसिक कंसर्न होना चाहिए, तो इसी वजह से ये चीज बाहर रखी गई है। और जो इस तरह के एक्सपोर्टर्स हैं जो हाई एंड इनपुट कॉस्ट वाली कमोडिटीज के अंदर डील करते हैं, जस्ट लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इन इंडिया, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद एस्पेक्ट होगा। मोर ओवर एक्सपोर्ट को भी ये बढ़ावा देगा, नहीं तो एमएसएमईज के लिए एक डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना उनकी एक लिमिटेशन बन जाती है। देन दिस इज येट अनदर स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो डेफिनेटली इट इज, एंड दिस इज हाउ एज आई एक्सप्लेन इट इज ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काइंड ऑफ अ स्टेप। देन दिस विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन द एमएसएमई सेक्टर एज वेल। ऑब्वियसली जब आप किसी एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो, जब उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी और उसको बेनिफिट सारे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट सिस्टम्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली उसमें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और जॉब्स भी ज्यादा बन सकती है। तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया है। सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर व्हिच हैज हैपेंड टिल नाउ। नाउ लेट्स लुक इनटू द सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ कोविड-19। सी इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक आवर प्राइम मिनिस्टर वाज ईगर टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एमएसएमईज इन नेशन बिल्डिंग, इसीलिए बीइंग वोकल फॉर लोकल दैट वाज द कॉल गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। And now MSMEs are the engines of this vocal for local. And to keep this engine firing and running at all pace, what you required was कि इनके लिए कुछ ना कुछ एक रिलीफ पैकेज आए। पर हमने जो रिलीफ पैकेज देखा, जो फर्स्ट ट्रांचे के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी और वीडियो यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी है, आप देख सकते हैं, तो उन अनाउंसमेंट्स में जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया उसमें ज्यादातर चीजें थी क्या? इट वॉज जस्ट क्रेडिट गारंटीज और बेसिकली लिक्विडिटी सपोर्ट। ये दो चीजें मेन दिखने को मिल रही थी कि ठीक है जी आप कर्ज ले लो। ये दो चीजों के बेसिस पे अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ओवरऑल हमारी एमएसएमईज हैं ये फायर अप कर जाएं ओवरनाइट और ये एज इट इज काम करना शुरू कर दें। एमएसएमई से आप अगर उसको ध्यान से समझेंगे तो मतलब क्या है? अब लेट से आई एज अ पर्सन ओपन अप अ पर्टिकुलर MSME, I can do that. Let's say today I'm teaching you economics and I go on to open a particular MSME of my own and I can register myself as a micro enterprise which is providing a certain kind of service to you. There is a particular category, education. In that there is further category, higher education not leading to any kind of certificate. So इस तरह की अलग-अलग categories हैं और उसके अंदर जाके मैं अगर अपने आप को एज एन एमएसएमई रजिस्टर करवा लूं, व्हाट काइंड ऑफ एन एमएसएमई इट बिकम्स? इट बिकम्स अ प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ एन एमएसएमई इन विच वन पर्सन इज वन एमएसएमई। अब ऐसे में अगर गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट गारंटी और ये सपोर्ट दे भी देती है, पहली बात तो ऐसी छोटी एमएसएमई को ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है,
उन्होंने किसके लिए रखी है ये सारी चीजें अवेलेबल, जो 100 करोड़ के आसपास टर्नओवर कर रहे थे उनको 20% ज्यादा क्रेडिट जो है वो फर्स्ट ट्रांच में दिया गया। तो उसका मतलब क्या है कि 20 लाख रुपया वो ज्यादा ले सकते हैं। अब ऐसे बड़े इंटरप्राइजेस जो मीडियम इंटरप्राइज है उनके लिए तो बेनिफिट था, लेकिन थोड़ा इशू रहेगा। अब इनको समझने की बात करते हैं। सो व्हाट वर द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स फॉर एमएसएमईज? सो दे इंक्लूडेड ₹3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर एमएसएमईज टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटीज, बाइंग रॉ मटेरियल्स एंड रीस्टार्ट बिजनेसेस। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने एमएसएमई खोला तो गवर्नमेंट मुझे 3 लाख करोड़ रुपीज लोन देने के चक्कर में है, ठीक बात है? देन रिविजन ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन टू रेंडर मैक्सिमम बेनिफिट्स टू दिस सेक्टर, डिसअलाउइंग ग्लोबल टेंडर्स इन प्रोक्योरमेंट अप टू ₹200 करोड़ टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, एंड क्लियरिंग ऑफ एमएसएमई ड्यूज बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विद इन 45 डेज। जो एस्टैब्लिश्ड एमएसएमईज ऑलरेडी बिजनेस में है, जो बड़े लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, ये सारी बातें उनके काम आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आप इकोनॉमिक सर्वे अगर रिसर्च मार के देखेंगे तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं, दे फॉर्म 90% ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लैंडस्केप, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, दे आर हार्डली 10% ऑफ द होल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो 10% इंडस्ट्री है उनके लिए ये सारी जो अनाउंसमेंट की गई है बड़ी बेनिफिशियल है, लेकिन जो 90% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनके लिए कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन को लेके ये इश्यूज आते हैं और वो हमें अब देखने की है क्या। सो लेट्स गो इनटू दैट वन बाय वन। सो व्हाट आर द डिलीवरी चैलेंजेस इन द गवर्नमेंट्स एमएसएमई पैकेज? तो आज तक जो गवर्नमेंट ने किया है थोड़ा सा उस पर नजर मार लेते हैं और फिर आगे कैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं उस पर नजर मारेंगे तो अपने आप इश्यूज हमारे सामने आ जाएंगे। तो फर्स्ट आप देखिए, इन 2001 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस दैट डिड नॉट हैव कोलैटरल सच एज प्रॉपर्टी एंड वर अनेबल टू सिक्योर बैंक लोन्स। तो बेसिकली एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड CGFTIL स्मॉल इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था, और इसके अंदर ये कहा गया था कि आप इन एमएसएमईज को लोन दीजिए और इसकी गारंटी लोन की हम लेते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया एंड अंडर दिस बेसिकली द सेंटर गारंटीड 75-85% ऑफ द लोन विद लेंडर बेयरिंग द बैलेंस रिस्क। सो दैट इज हाउ इट वॉज सेटअप। सो इट वॉज बेसिकली सिडबी लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड CGFTIL। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट। देन इन 2018-19 दिस स्कीम वॉज एक्सटेंडेड यू नो and the guarantees worth 30,168 crore were given। तो इस तरह से guarantees हम देते जा रहे थे, वो guarantees का system वही था कि 85% तक जो guarantees है वो government लेगी और बाकी की 15% जो guarantee है वो creditor देगा। अब इसको आज तक सिर्फ incremental तौर पे बढ़ाया गया, धीरे 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 CGFTIL का दायरा जो है इसको बढ़ाया गया। तो ये जो आप sum देख रहे हैं this is basically the corpus fund of CGFTIL। Then, now in May 2020, as a part of COVID-19 relief package, what the government did is that it said it will be providing small businesses an additional and full guarantee of 3 lakh crore rupees in the next 5 months, about 10 times of what it gave in 2018-19. So, here 30,000 crore tha aur idhar 3 lakh crore ke aaspaas ki guarantees of government dene ki baat karta hai. Ye 3 lakh crore ka bhi kya matlab hai ki ye CGFTIL jo banaya gaya tha, इसका अब कॉर्पस फंड जो है दैट इज नाउ 3 लाख करोड़ रुपीज। सिस्टम लेकिन फिर भी वही रहेगा जो पहले चल रहा था, 100% गारंटीज का सिस्टम है, लेकिन अब वो जो 100% गारंटीज हैं वो कौन ले रही है? यूनियन गवर्नमेंट ले रही है। वो बैंक्स को नहीं बोल रहे कि आप 15% जो गारंटी का आप ले रहे थे वो आप कंटिन्यू रखो, वो नहीं बोल रहे। अब वो कह रहे हैं 100% जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा, ठीक। तो इससे बेसिकली जो बैंक्स हैं उनकी थोड़ा सा एक रिस्क कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे भी फर्क पड़ेगा, सब चीजों में फर्क पड़ेगा। तो लिक्विडिटी पुश डेफिनेटली यहां से होना चाहिए था, लेकिन अब देखने में तो लगता है कि पूरा सिस्टम रेडी है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस, लेट्स लुक इनटू दैट। सो देयर आर 3 बेसिक चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ यू नो इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एमएसएमई लेंडिंग। गवर्नमेंट ने ले दे के किया भी क्या है लेंडिंग, और उसमें 3 चैलेंजेस हैं। अब देखिए कैसे कैसे। फर्स्ट चैलेंज इज एलिजिबिलिटी, कि ये मिलेगा किसको, जैसे हमने पहले भी बात की। सो ओनली अ स्मॉल पूल ऑफ एमएसएमईज विल इफेक्टिवली बी एलिजिबल फॉर दिस वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। याद रखिए दिस इज अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी।
that have existing loans, they can now borrow up to 20% more of their loan outstanding as on February 29, 2020. तो आप फर्ज कीजिए कि किसी एक कंपनी का 100 करोड़ रुपए का लोन खड़ा हुआ था एज ऑफ February 29, 2020, तो अब वो बेसिकली प्लस 20 करोड़ तक का कर्ज जो है वो और ले पाएगा। ये इसका बेसिक सा मतलब है, ठीक है। देन ए स्लाइड इन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेशन ऑन 13 May स्टेटेड 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। अब भाई ये 45 लाख का जो आंकड़ा बोला गया, ये सुनने में आपको और हमको बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आपको इसको कंपेयर करना है विद 6 crore 34 lakh यूनिट्स विच वर रजिस्टर्ड एज MSMEs इन 2015-16, नॉट इवन इन 2020, ठीक है ना। तो आज की डेट में ये नंबर जो है ये कुछ भी नहीं है। यस, सो इवन आप देखिए मिनिस्क्यूल, तो बहुत कम ही एंटरप्राइजेस हैं जो इसका एक्चुअल में लाभ उठा पाएंगे। यू गॉट द आइडिया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अबाउट 99% ऑफ दीज एंटरप्राइजेस हैव इन्वेस्टेड लेस देन 25 लाख रुपीज इन देयर बिजनेस। तो कहने का मतलब ये माइक्रो कैटेगरी में है। मोस्ट ऑफ दीज माइक्रो एंटरप्राइजेस वोंट बी एलिजिबल फॉर दिस एडिशनल लिक्विडिटी। दे विल बी हाउएवर अ न्यू सेट ऑफ लार्ज फर्म्स which will be now eligible as medium enterprises following the relaxation in the definition criteria. मैं आपको definition पे वापस ले जाता हूं। अब आप देखिए होने वाला क्या है कि ये जो criteria बढ़ा दिया गया ना, 10 करोड़ से सीधा हमने 50 करोड़ ले गए investment, और जो annual turnover है वो 250 करोड़ हो गया। इससे होगा क्या? इससे जो बड़ी कंपनियां थी वो एक्चुअली अब छोटी कंपनियों की डेफिनेशन में आ गई। अब अगर आप एक बैंक हैं तो एक चीज मान के चलिए कि आप भी ये नहीं चाहेंगे कि छोटे 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 आप 2-2 रुपए के लोन हर जगह देते फिर। आप भी यही चाहेंगे कि एक बढ़िया सा एक क्लाइंट आए, उसको मैं इकट्ठा लोन पकड़ाऊं, मेरे लिए लोन अकाउंट मैनेजमेंट की सिरदर्दियां कम हो और उसी से मैं डील करूं और बढ़िया मेरा काम चलता रहे। और ये जो क्लाइंट है जिसके पास ज्यादा टर्नओवर है, ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, ज्यादा सारी चीजें ऑलरेडी सेट हैं इसकी, तो उसके साथ डील करने में आपका रिस्क भी कम होता है। तो इस तरह से बैंक की भी जो फेवरेबिलिटी है वो इन बड़ी कंपनियों को जो अब छोटी कंपनियों की डेफिनेशन में फिट होनी शुरू हो गई हैं, इनकी तरफ ज्यादा होगी। सो इस तरह से बेसिकली दिस इज गोइंग टू प्रूव सम काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर एक्चुअली गिविंग द लिक्विडिटी पुश टू दी MSMEs थ्रू अ चेंज इन डेफिनेशन। वैसे तो बड़ी अच्छी बात लगती है, पर अब आप देखिए ये इसका एक नेगेटिव साइड भी है। दूसरे चैलेंज पे चलते हैं। दूसरा चैलेंज जो है दैट इज द साइज ऑफ दिस एंटरप्राइजेस। यू सी प्रीवियसली द बेसिस ऑफ MSME कैटेगराइजेशन वाज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। द सीलिंग फॉर द मीडियम एंटरप्राइज वाज इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹10 crore। नाउ इट हैज बीन डबल्ड एंड फर्दर इट टर्नओवर क्राइटेरिया डबल से भी अब तो ये कहां आ गए, नाउ इट इज 50 crore, and the annual turnover ceiling has also been increased. Now it is further increased to how much? It is 250 crore. So ye do figures have revised ho gayi hain. This will result in larger firms being considered as MSMEs, jiski humne abhi baat ki, and they account for a greater share of borrowing in the banking system and would crowd out the smaller players for the additional working capital facility. अब बैंक ने जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के तौर पे देना है वो तो लिमिटेड ही है ना। तो अब होगा क्या? अब देखिए आप, पहले से ही जो एक्सपेंशन MSME की डेफिनेशन में की जा रही थी, जो ये 100 करोड़ की और ये जो लिमिट्स है ना, ये पुरानी लिमिट्स हैं जो ऑलरेडी हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे थे। मैंने जैसे बात की आपसे कि February 2018 ऑनवर्ड्स हम ये लिमिट्स बढ़ा रहे थे, तो ज्यादातर क्रेडिट जो है अभी भी लार्ज एंटरप्राइजेस के पास जा रहा था। मिड साइज या स्मॉल और माइक्रो साइज के पास तो बहुत कम कम क्रेडिट का जो आउटफ्लो है वो जा रहा था। अब ये सिनेरियो और भी एग्जैजरेट हो जाएगा जब हम नेक्स्ट लिमिट इसमें 250 करोड़ वाली लगानी शुरू कर देंगे। ये एक बेसिक दूसरा चैलेंज आएगा। एंड द पार्ट ऑफ द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन
is basically the pullback of your public sector banks who have been the dominant lenders to MSMEs. सबसे बड़ा डिक्लाइन जो क्रेडिट में जाएगा वो इसी वजह से हुआ कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप्स जो बैंक्स हैं वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है टू प्रोवाइड लेंडिंग टू एमएसएमईज. दे ऑल वांट टू बी प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर लेंडिंग टू आइदर द आरबीआई इटसेल्फ व्हिच इज सेफ हेवन फॉर देम और मे बी द लार्ज इंडस्ट्रीज. नाउ देयर इज अ सर्टेन सिबिल रिपोर्ट, उसके एविडेंस से हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी और. सो यू सी देयर वाज अ ट्रांस यूनियन सिबिल रिपोर्ट व्हिच शोज दैट The share of public sector banks in MSME loans dropped from 57% in September 2017 to 48% in September 2019. Meanwhile, private sector banks gained the share from 32% to 39%. Is tarah se hai. Then, public sector banks are saddled with bad assets in the SME space. In the medium segment, 29% of their assets are non-performing. तो ये एक सिनेरियो था जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर ऑन द बैक ट्रैक एंड दे आर ऑन द बैक फुट कि वो अब एमएसएमईस को बहुत ज्यादा लेंडिंग नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखिए, नाउ दिस कुड गेट इवन वर्स बिकॉज द गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग देम टू लेंड मोर टू एमएसएमईस एंड इट इज नजिंग देम टुवर्ड्स द वेरी सेगमेंट दैट इज द बिगेस्ट एमएसएमई पेन पॉइंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इवन विद 100% गारंटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट This can basically lead to an NPA problem definitely for the public sector banks at the later date. And in the absence of due diligence, the companies can misuse this facility in collusion with bank branch officials and politicians. And a pile up in the bad assets of public sector banks means that they will need more capital for which they will turn to cash-strapped government. So basically, wo jo humne dekha na ki scenario kya hota hai, कि बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब कंपनी भाग गई यहां से और बैंक के पास जो एसेट्स थे वो अब लायबिलिटी में कन्वर्ट होने शुरू हो गए उसके लिए. तो नाउ बेसिकली इधर जो लोगों ने बैंक को पैसे दिए थे, यू नो, शेयर होल्डर्स और जनरल पीपल लाइक यू एंड मी हु हैड द डिपॉजिट्स इन द बैंक, नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज हियर द कैपिटल ऑफ द बैंक इज गोइंग टू टेक अ फॉल फॉर इट. And when the capital of the bank starts taking a fall for it, we have a certain thing called capital adequacy ratio, which every bank has to maintain as per Basel norms. And right now, that basic norm is still 9%. हमने Basel 3 तो implement किया नहीं है. And NPA ratio के लिए भी एक upper limit है हमारे पास. You already know that is at 8%. तो जैसे ही NPAs बढ़ने शुरू होंगे, CAR नीचे आना शुरू होगा, तो banks के लिए दिक्कत होगी. अब ऐसे में इंटरवीन कर सकते हैं या तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर हमारा गवर्नमेंट लेवल पे एक है पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी. दोनों के दोनों जब बैंक की कैपिटल को फ्लश करने की कोशिश करेंगे तो पैसा तो उसमें दोबारा लगाएंगे, लेकिन ये ज्यादातर अभी आजकल फंक्शनैलिटी किसकी आ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक में, पारा की. तो गवर्नमेंट के फंड्स वहां पे फिर ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं. तो इस वजह से ये थोड़ा सा ट्रबलसम सिनेरियो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बन जाता है और लिक्विडिटी पुश जो हम करना चाहते हैं उसमें भी बन जाता है. सो दिस एनालिसिस बेसिकली सजेस्ट दैट बैंक्स बेसिकली नाउ फेस अ बिग हर्डल इन अवेलिंग न्यू क्रेडिट फैसिलिटीज एज यू नो बोथ आर इन अ हैंगओवर, बोथ एमएसएमईज एंड द बैंक्स, एंड हाउ दे नेविगेट ऑल दिस टिल अक्टूबर 31 व्हिच इज द लास्ट डेट टू बोरो स्टिल रिमेन्स टू बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी. तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे होता है. अब इसको थोड़ा सा और पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने लेटेस्ट इनिशिएटिव कल ही जो लिया है वो ये, दैट टू मैनेज ऑल दिस ए रोबस्ट आईसीटी बेस्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड चैंपियंस हैज नाउ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. द पोर्टल इज नॉट ओनली हेल्पिंग हैंड होल्डिंग एमएसएमईज इन प्रेजेंट सिचुएशन बट इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ग्रैब द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड इन द लॉन्ग रन बिकम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस. अब ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं. ये इस पोर्टल की शक्ल है, मैं आपको दिखा देता हूँ. अब इसके अंदर जाके आप अपने आइडियाज दे सकते हैं, आप अपनी कोई ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने जो आइडियाज या ग्रीवांसेस हैं उनका स्टेटस देख सकते हैं. कोई एक पर्टिकुलर स्कीम आप अपने लिए डिसाइफर करना चाहें तो वो स्कीम फॉर यू पोर्टल आप जाइए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए स्कीम है. अब मैंने इसमें कल एक ट्रायल मारा, मैंने यहाँ पे गया और अपने आइडियाज शेयर किए और जो मुझे इनका रिवर्ट आया तो एक स्कीम का रिवर्ट आ गया कि ये स्कीम आपके लिए है. अब वो स्कीम के अंदर सारी चीजें बस एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में दे रखी हैं, अब उसमें जो एक्चुअल कोई रीच आउट जो है वो अभी तक नहीं है.
This is a very much of a fact. I've tried it myself. I have the mail to prove it. ठीक है ना? तो सिर्फ बस उनकी तरफ से एक मेल आई है जिसमें मुझे एक स्कीम के बारे में बता दिया गया कि ये स्कीम है जी, इसके हिसाब से आप देख लो आपका क्या हो सकता है। अब मेरे पे है कि मैं जाके फिर रीच आउट करता फिर हूँ, या तो मुझे सारे अफसर जानते हैं मैं उनको फोन मारूं घर बैठ के तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं जानता कोई और आप एक सिंगल पॉइंट किसी ट्राइबल यूनिट में जाके बैठे हुए हैं और आप एक कॉटेज इंडस्ट्री रन करते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो रीच आउट इनिशिएटिव है वो कुछ नहीं है, बस आपको मेल के बदले एक मेल आ जाएगी एंड दैट्स इट, एंड देन यू आर सपोज टू सी हाउ द थिंग्स हैपन। तो गवर्नमेंट हैज टू रियली कम आउट ऑफ ऑल दिस यू नो ब्यूरोक्रेटिक केज व्हिच इट हैज डिजाइंड फॉर इटसेल्फ, रियली रीच आउट टू द MSMEs, it really, if it really envisions them to be the engines of growth for Indian economy. There is a general sense that is prevailing right now ki jo micro or small enterprises hain, unke liye kuch khas benefits nahi aa pa rahe. Medium enterprises ki category mein large enterprises ko laya ja raha hai aur unko zyada benefits jo pehle se enjoy kar rahe the aur zyada benefits unko milenge aur wo ab aur bhi zyada benefits jo hain enjoy kar payenge. आगे इन बेनिफिट्स की ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है वो भी अभी देखना बाकी है. सो वेरी मच इनटू द सेम कियोटिक रिजीम दैट वी आर ऑलवेज इन. सो लेट्स लुक इनटू इट. होपफुली गवर्नमेंट इज एबल टू रिजॉल्व दिस आल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज इन द रिफॉर्म फेज. वी आर यू नो एज इंडियंस वी आर ऑलवेज होपफुल. सो लेट्स लुक इनटू दैट हाउ द चैंपियंस आर रियली एबल टू यू नो live up to their slogan that is creation of harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. So that is champions for you. Then this is me Abhishek Sharma signing off. If you have any doubts or queries with respect to this lecture or anything with respect to Indian economy, ethics or public administration, you can reach out to me at my email ID or you can follow me at my Telegram channel. The links are given in this video. Thank you so much. All the best for your UPSC examination. 5 जून को यूपीएससी ने अनाउंस करना है कि एज इट इज प्रिलिम्स कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा. अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी रिलेटेड इश्यूज हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो दीज आर द फोरम्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन द ईमेल एंड ऑन द टेलीग्राम चैनल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू. दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ.